हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड कितने टाइप के क्वेश्चन हमसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए, जो कि इस चैप्टर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं, मैंने साइड में लिखकर किया है। हाँ जी, राइट एंगल ट्रायंगल क्या होती है, आइए देखते हैं। जिस ट्रायंगल में एक एंगल क्या हो, 90 डिग्री का हो। जैसे ये ट्रायंगल है, इसका नाम है ए, बी और सी। ठीक है दोस्तों, ये राइट एंगल ट्रायंगल कब कहलाएगी, जिसमें एक एंगल क्या हो, 90 डिग्री का हो। मान लीजिए इसमें एंगल एक है 90 डिग्री का हो, ठीक है। तो ये क्या एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इसमें क्या क्या चीज़ होती है राइट एंगल ट्रायंगल में, एक होता है हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस क्या होती है, जो सबसे बड़ी साइड होती है। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल की सबसे बड़ी साइड क्या है, अगर आप देखें तो ये साइड क्या सबसे बड़ी, जो सबसे बड़ी साइड होती है। या आप ऐसे भी कह सकते हैं, जो 90 डिग्री का एंगल ये है, इसके सामने वाली साइड, इसके सामने वाली साइड का ये है बी सी है, तो ये होता है हाइपोटेनियस। हिंदी में इसको बोलते हैं कर्ण, ठीक है। उसके बाद दो चीज़ें रहती हैं, एक परपेंडिकुलर और एक बेस। अभी परपेंडिकुलर कैसे देखते हैं, परपेंडिकुलर ये है कि ये है, वो कैसे चेक करते हैं। हाँ जी, मैं जहाँ से एंगल मेजर करता हूँ, मान लो मैं एंगल यहाँ से मेजर कर रहा हूँ, मान लीजिए एंगल थीटा है, ठीक है। जो इसके सामने वाली साइड है, इसके सामने वाली साइड क्या है, ये है, ठीक है। तो ये होगी मेरी परपेंडिकुलर, और जो थर्ड रहेगी वो क्या है, बेस, ठीक है। अगर मान लीजिए मैं एंगल यहाँ से मेजर कर रहा होता, तो उसके सामने वाली साइड की ये, तब परपेंडिकुलर ये हो जाती और बेस ये हो जाती। अब मैं एंगल यहाँ से मेजर करूँ, परपेंडिकुलर ये बेस ये, तो ये तो होती है राइट एंगल ट्रायंगल। अब इसमें तीन चीज़ें होती है, एक तो हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस को हिंदी में कर्ण बोलते हैं, बेस, बेस को हिंदी में आधार बोलते हैं, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर को हिंदी में लंब बोलते हैं, ठीक है। अब उसके बाद इन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस, इनका ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से क्या रिलेशन होता है, मैंने साइड में लिख रखा, और ये मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बता रखा है। वो क्या चीज़ होता है, इसके लिए ट्रिक होती है पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ठीक है दोस्तों। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस होता है साइन थीटा, बेस बाय हाइपोटेनियस होता है कोस थीटा, और परपेंडिकुलर बाय बेस होता है टेंजेंट थीटा। ऐसे ही हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर होता है कोसेकेंट थीटा, और हाइपोटेनियस बाय बेस होता है सेकेंट थीटा, और बेस बाय परपेंडिकुलर होता है कोस थीटा, ठीक है। ये होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और राइट एंगल ट्रायंगल की तीनों साइडों के बीच में रिलेशन, ठीक है। उसके बाद ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है, इसकी तीन साइड है, इन तीनों साइडों के बीच में क्या रिलेशन होता है, उसको हम जानते हैं, वो होती है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, अगर मैं इस हाइपोटेनियस का स्केयर कर दूँ, ये हाइपोटेनियस है, इस सबसे बड़ी साइड का स्केयर कर दूँ, वो किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर के स्केयर प्लस बेस के स्केयर के बराबर, ठीक है दोस्तों। ये पाइथागोरस प्रमेय है, पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल में जो छह ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं उनकी वेरियस एंगल पे वैल्यू बताई थी। उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यू है जो इस चैप्टर में यूज़ होंगी, वो क्या है, टेंजेंट 30 की वैल्यू होती है 1/√3 होती है, कोण 60 की वैल्यू होती है 1/√3 होती है, ठीक है दोस्तों। ऐसी टेंजेंट 60 की वैल्यू होती है √3 और कोण 30 की वैल्यू होती है √3। आप कैसे याद करेंगे, आप टेंजेंट 30 की वैल्यू याद कर लो, टेंजेंट 30 की वैल्यू याद, कोण 60 की वैल्यू सेम होती है, टेंजेंट 30 कोण 60 सेम, टेंजेंट 60 और कोण 30 इन दोनों की वैल्यू सेम होती है, ठीक है। आइए अब क्वेश्चन देखते हैं। जैसे स्टेटमेंट पढ़ देता हूँ मैं, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर, ठीक है दोस्तों। अब ये एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, आइए देखते हैं। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में दो चीज़ें होती हैं, एक तो होता है एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, और एक होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं, आइए समझते हैं। मान लीजिए कोई टावर है, ये टावर है या कोई पोल है, ठीक है, और एक पर्सन यहाँ से देख रहा है, इस टावर के टॉप को देख रहा है, इस टावर के टॉप को देख रहा है, तो यहाँ से ऐसे देखेगा वो, जो यहाँ पे जो एंगल बनेगा, यहाँ एंगल बनेगा हॉरिजॉन्टल के साथ, इसको हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। दो चीज़ें होती हैं, अगर मैं ऐसे ड्रा कर रहा हूँ इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, और ऐसे ड्रा कर रहा हूँ इसको बोलते हैं वर्टिकल। अब जो हॉरिजॉन्टल एंगल बना रही है, हॉरिजॉन्टल है, इसके साथ ये जो एंगल बना रही है, ठीक है, ये एंगल मान लीजिए थीटा बना रहा है, तो ये एंगल क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन पे। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, मान लीजिए ये सेम टावर है, ठीक है, और कोई पर्सन यहाँ खड़ा है, और यहाँ खड़ा है वो, एक नीचे गाड़ी जा रही है, उस गाड़ी को देख रहा है, उस गाड़ी को देख रहा है पर्सन, अब यहाँ खड़ा है तो अब यहाँ से ऐसे देखेगा वो, ठीक है, तो यहाँ से देख रहा है वो, तो एंगल तो यहीं से बनेगा। अब यहाँ एंगल कहाँ बनेगा, एंगल यहाँ बनेगा, क्योंकि एंगल हमेशा हॉरिजॉन्टल पे बनता है, जैसे मैंने बताया हॉरिजॉन्टल बनाएगा, यहाँ पे तो एंगल ही बनेगा, क्योंकि एंगल तो इस पे, ये तो अगर यहाँ पे एंगल बन गया तो वर्टिकल पे बन गया, मुझे एंगल किस पे बनाना है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे, हॉरिजॉन्टल ऐसे होती है, तो एंगल कहाँ बनेगा, यहाँ पे बनेगा,
थीटा, ठीक है। तो ये एंगल क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। आप सीधा सीधा ये याद कर लीजिए, जब ऊपर से देखते हैं तो एंगल होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, और जब नीचे से एंगल देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। आइए क्वेश्चन देखते हैं, अब स्टेटमेंट पढ़ देता हूँ मैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर, हाँ जी, कोई मान लीजिए मेरे पास कोई टावर है, ठीक है, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन इसके टॉप का, इसके टॉप यानी कि टॉप तो ये है, ये बेस है और ये टॉप है, ठीक है, इसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे कोई पॉइंट है, यहाँ से कोई पर्सन है इसके टॉप को देख रहा है तो कुछ ना कुछ एंगल तो बन रहा होगा। तो अब नीचे से देख रहा है, तो एंगल क्या बनेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। तो यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल ड्रा कर देते हैं ऐसे, ठीक है दोस्तों, मैंने आपको अभी बताया अगर यहाँ से देख रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, वही है, इसने एंगल ऑफ एलिवेशन बता गया। अब क्वेश्चन में एंगल ऑफ एलिवेशन आ गया, आपको समझ जाना चाहिए भी नीचे से देख रहा है वो पर्सन, ठीक है। हाँ जी, जो ये पॉइंट है, ये क्या है, विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। जो ये पॉइंट है, यहाँ जो पर्सन खड़ा है, जो ये टावर है, इसका फुट है, ये उसका टॉप है और ये उसका फुट है, जैसे पैर बोल देते हैं, इसके पैर हैं, फुट है। यहाँ से इसके टावर के फुट से जो पॉइंट है ये कितने मीटर की दूरी पर है, वो उसने बोल रखा है 30 मीटर की दूरी पर है, 30 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। और जो एंगल है वो कितना दे रखा है उसने, 30 डिग्री, क्योंकि डिग्री डिग्री में तो एंगल होता है, और ये 30 डिग्री दे रखा है, ठीक है। हाँ जी, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, और मुझे हाइट ऑफ द टावर, हाँ जी हाइट तो ये होती है टावर की, और ये मुझे एच ई फाइंड करनी है, हाइट ऑफ द टावर, ठीक है। हाँ जी, अब क्वेश्चन करते हैं, ये जो डायग्राम बना है, अगर इस डायग्राम को आप ध्यान से देखें तो ये क्या, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल कैसे है, क्योंकि ये एंगल क्या है, 90 डिग्री का है, और यहाँ से एंगल मेजर हो रहा है, ठीक है। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करेगी, और इसमें हाइपोटेन्यूस क्या है, बेस क्या है, परपेंडिकुलर क्या है, वो देखते हैं। सबसे बड़ी साइड है 90 डिग्री के सामने वाली, हाइपोटेन्यूस है, हाँ जी, और जहाँ से एंगल मेजर कर रहे हैं, जहाँ से एंगल, उसके सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर। ये कैमरा परपेंडिकुलर, इसको पी से लिख देते हैं, कैपिटल पी से, ठीक है, ये स्मॉल एच है, कैपिटल पी परपेंडिकुलर, और उसके अलावा वो कह रहा है बेस कैपिटल बी, ठीक है। मुझे किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मुझे इस टावर की हाइट फाइंड आउट करनी है, और हाइट क्या परपेंडिकुलर है इसकी, हाइट फाइंड आउट करनी है। अब डायग्राम में मुझे क्या क्या गिवन है, डायग्राम में मुझे एक तो एंगल गिवन है, एक बेस गिवन है, और एक परपेंडिकुलर गिवन है। अब ये बेस और एक परपेंडिकुलर के बीच में क्या रिलेशन होता है वो देखें। अगर यहाँ से मैं देखूँ इस चीज़ को देखूँ, बेस और परपेंडिकुलर, बेस बाय परपेंडिकुलर क्या होता है, टेंजेंट थीटा होता है। तो हाँ जी, मैं ऐसे लिख सकता हूँ, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस लिख सकता हूँ, क्योंकि मुझे इस परपेंडिकुलर की साइड निकालनी है। ये परपेंडिकुलर तो हाइट ऑफ ए टावर है, परपेंडिकुलर निकाल दूंगा, एच निकाल दूंगा, बात सेम ही है। ये परपेंडिकुलर, इसकी वैल्यू निकालनी है, परपेंडिकुलर कितना है, और बेस मुझे दे रखा है, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है वही फाइंड आउट करना है मुझे। टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, हाँ जी, और थीटा की वैल्यू मुझे क्या गिवन है, थीटा लिख देते हैं 30 डिग्री है, और बेस क्या मेरे पास, वो है 30 मीटर। फार्मूला वैल्यू पुट कर देते हैं, तो फार्मूला क्या बन गया, टेंजेंट 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, एच है, परपेंडिकुलर को मैंने एच माना है क्योंकि हाइट ऑफ द टावर यही है, और बटे में बी की वैल्यू क्या है, 30, हाँ जी, और टेंजेंट 30 की वैल्यू क्या है, टेंजेंट 30 की वैल्यू होती है 1/√3, और एच बाय में 30, ये आ गया, ठीक है। हाँ जी, यहाँ से क्या कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या आ गया, √3h इज इक्वल टू 30, और h की वैल्यू क्या आ गई, 30/√3, ठीक है दोस्तों। अब क्या करते हैं, इसको √3 को क्या करते हैं, रेसलाइजिंग कर देते हैं। तो रेसलाइजिंग करने के बाद, सोल्व करने के बाद क्या आ गया, मैं इसको यहाँ मिटा देता हूँ, तो आ गया 30√3 बटे में √3 क्या होता है, 3 होता है, इसके साथ ये कट गया 10, तो आंसर क्या आ गया, 10√3, यानी कि जो टावर है इसकी हाइट क्या है, 10√3, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं, स्टेटमेंट पढ़ देता हूँ मैं। ए टावर स्टैंड वर्टिकली, हाँ जी वर्टिकली, मैंने आपको बताया था वर्टिकली क्या होता है, ऐसे एक स्टैंड वर्टिकली खड़ा है फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। ये टावर के फुट से 15 मीटर की दूरी पर एक पॉइंट है, ठीक है दोस्तों, ये 15 मीटर की दूरी पर एक पॉइंट है, हाँ जी, फुट ऑफ द टावर ऑफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर। इस पॉइंट से इस टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन मैंने आपको बताया था नीचे से मेजर होता है, यहाँ से, तो यहाँ से एंगल ऑफ, मान लीजिए ये एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, ये कितना है, 60 डिग्री है, और मुझे फाइंड आउट क्या करना है,
हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर सेम जैसे पिछला क्वेश्चन था सेम, ठीक है। आइए करते हैं, जैसे इसको नाम लेते हैं ए बी और सी, ये क्या है राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें एंगल ये क्या 90 डिग्री का है, इसके सामने वाला क्या है हाइपोटेनियस है, और ये क्या बेस है और ये परपेंडिकुलर है, और बेस की वैल्यू क्या दे रखी है मुझे 15 मीटर दे रखी है। हाँ जी, तो क्या क्या गिवन है मुझे, थीटा गिवन है और बेस की वैल्यू मुझे गिवन है 15 मीटर, और मुझे फाइंड आउट करनी है हाइट। तो कैसे करेंगे, अब देखते हैं बेस और हाइट, बेस हाइट को मैंने क्या, हाइट है क्या वैसे परपेंडिकुलर है, बेस और परपेंडिकुलर इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, इन दोनों में क्या रिलेशन है, तो यहाँ से देखेंगे बेस और परपेंडिकुलर क्या होता है, टेन थीटा होता है, यानी परपेंडिकुलर बाय बेस क्या होता है, टेन थीटा होता है। तो परपेंडिकुलर बाय बेस इज इक्वल टू से बराबर होता है टेन थीटा, ठीक है। जो जो वैल्यू दे रखी है पुट कर दो, जो वैल्यू निकालनी है वही पुट कर दो। हाँ जी, पी की वैल्यू क्या है, वो एच है, वो मुझे निकालनी है, और बेस की वैल्यू क्या है 15 इज इक्वल टू किसके बराबर है टेंजेंट, थीटा की वैल्यू क्या देखी है 60 डिग्री। हाँ जी, और टेंजेंट 60 की वैल्यू क्या होती है, टेंजेंट 60 की वैल्यू साइड में लिख रखी है मैंने √3, तो एच बाय 15 क्या आ गया √3। हाँ जी, इसको इधर मल्टीप्लाई करते हो तो एच की वैल्यू क्या आ गई 15√3। तो ये जो टावर है इसकी हाइट क्या आ गई 15√3, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन है जैसे स्टेटमेंट पढ़ देता हूँ मैं, एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल, एक कोई ऑब्जर्वर है वो कितना 1.5 मीटर लंबा है, यहाँ पे मान लो कोई ऑब्जर्वर खड़ा है 1.5 मीटर टॉल है, ठीक है, इसको नाम लेते हैं ए बी, ऑब्जर्वर है ए बी, ठीक है। हाँ जी, टॉल इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम द चिमनी, एक कोई चिमनी है मान लीजिए, यहाँ पे कोई चिमनी है, यहाँ पे ऐसे चिमनी बना लेते हैं। हाँ जी, ये जो ऑब्जर्वर है इससे कितनी दूरी पर है, 28.5 मीटर की दूरी पर है, 28.5 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए चिमनी फ्रॉम हर आई इज 45 डिग्री, अब ये जो ऑब्जर्वर खड़ा है, अब यहाँ से ये एंगल मेजर कर रहा है, यहाँ से इसके टॉप को देख रहा है। हाँ जी, जब कभी भी मान लो ऑब्जर्वर खड़ा है, अभी इसके टॉप को देख रहा है, एंगल तो उसकी आंखों से मेजर हो रहा होगा, एंगल तो उसकी आंखें मेजर करेंगी, तो हमेशा एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ से मेजर किया जाता है, आंखों से मेजर किया जाता है, मैंने आपको बताया था। तो यहाँ से एंगल मेजर हो रहा है, तो यहाँ से और एंगल ऑफ एलिवेशन सॉरी यहाँ से एंगल मेजर हो रहा है, और एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा कहाँ से मेजर किया जाता है, नीचे से मेजर किया जाता है, ठीक है। यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन मेजर हो रहा है, हाँ जी, अब हॉरिजॉन्टल ड्रा करेंगे एक, क्योंकि एंगल हमेशा हॉरिजॉन्टल से मेजर किया जाता है। तो ये एंगल कितना डिग्री दे रखा है उसने, 45 डिग्री, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दे रखा है उसने, 45 डिग्री दे रखा है, और मुझे फाइंड आउट करनी है व्हाट इज द हाइट ऑफ द चिमनी। और ये चिमनी सारी ये है, चिमनी के हेड तो सारी ये है, इसको नाम दे लेते हैं सी डी और ई। मुझे इस चिमनी की हाइट फाइंड आउट करनी है, चिमनी की टोटल हाइट कितनी है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये सारी ई सी सी ई यहाँ लिख लेते हैं, ये एच है, ये सारी मुझे एच की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, आइए देखते हैं। हाँ जी, अगर मैं यहाँ पे देखूँ ये ट्रायंगल, एक ट्रायंगल बन रही है यहाँ पे बी ई डी, ट्रायंगल बी ई डी, ये कौन सी ट्रायंगल है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इस राइट एंगल ट्रायंगल में मुझे क्या क्या गिवन है, अगर मैं यहाँ पे देखूँ, हाँ जी, ये यहाँ से लेके यहाँ तक क्या थी, डिस्टेंस थी, चिमनी और उस पर्सन के बीच की डिस्टेंस थी। तो अगर पर्सन की और चिमनी की डिस्टेंस ही है तो उसकी आइज और चिमनी के बीच में डिस्टेंस सेम होगा, अगर ये 28.5 है तो ये भी क्या होगा, 28.5 मीटर होगा, ठीक है। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में मुझे क्या क्या गिवन है, एक तो मुझे ये बेस गिवन है, इसको बेस बोलते हैं बेस, ठीक है। अब ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है इसका ये क्या परपेंडिकुलर है और ये क्या हाइपोटेनियस है। हाँ जी, तो इसमें क्या क्या गिवन है, यहाँ पे लिख लेता हूँ, परपेंडिकुलर मुझे निकालना है, परपेंडिकुलर मुझे निकालना है क्वेश्चन मार्क ऐसे, और हाइट हाइपोटेनियस है नहीं गिवन मेरे पास, बेस गिवन है, बेस क्या 28.5 और थीटा क्या 45 डिग्री, ठीक है। हाँ जी, आइए करते हैं, अब क्या क्या गिवन है, बेस और परपेंडिकुलर के बीच में क्या रिलेशन थी, बेस पर परपेंडिकुलर होता है टेन थीटा, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, इसको मिटा देता हूँ मैं चारों। हाँ जी, तो क्या आ गया, टेन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है। थीटा के बोले क्या देखिए 45 डिग्री, टेंजेंट 45, परपेंडिकुलर की वैल्यू मुझे निकालनी है और बेस की वैल्यू क्या देखिए 28.5, ठीक है। हाँ जी, टेंजेंट 45 की वैल्यू मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल में कराई थी, वो क्या होती है 1, तो इसकी जगह पे क्या क्या 1 यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, 1 इज इक्वल टू पी बाय में
28.5, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो पी की वैल्यू क्या आ जाएगी 28.5। तो पी क्या आ गया, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट ED, तो पी की वैल्यू क्या आ गई, यानी कि ED की वैल्यू, पी इसको मानना था मैंने, ED को मानना था, ये क्या आ गया 28.5, ठीक है। और मुझे किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी है CE की, ये सारी हाइट है ना, तो हाँ जी ये सारी हाइट अगर मैं देखूँ तो ये किसके बराबर है, CE, ये सारी हाइट किसके बराबर है, अगर मैं इसको और प्लस इसको जोड़ दूँ, DE प्लस में DC को जोड़ दूँ तो CE आ जाएगा, हाँ जी। और DE मैं अभी अभी निकाल करता हूँ, वो क्या है 28.5, ठीक है। और अब DC क्या है, अगर आप देखें AB 1.5 है तो DC भी क्या होगा 1.5 होगा, ठीक है। तो DC क्या हो गया 1.5, तो यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं, DE की वैल्यू क्या थी 28.5 और DC की वैल्यू क्या थी 1.5, इन दोनों को जोड़ा 5, 5, 10, हाँ जी 29 और 1, 30, तो क्या आ गया 30। तो यानी कि ये जो चिमनी है इसकी हाइट, टोटल हाइट कितनी है इसकी, यानी कि स्मॉल h, इसको मैंने h माना था, हाइट कितनी आ गई 30 मीटर, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आइए इस क्वेश्चन के क्विक रीजन लेते हैं, हाँ जी। क्वेश्चन में क्या था, एक पर्सन है जिसकी हाइट दे रखी थी मुझे 1.5 मीटर, वो खड़ा है, हाँ जी। एक चिमनी है उससे 28.5 मीटर दूरी पर खड़ा है, वो जो खड़ा है जो चिमनी के टॉप को देख रहा है, चिमनी के टॉप को देख रहा है, तो आंखों से देख रहा है, तो उसका एंगल मेजर आंखों से ही होगा, हाँ जी। तो यहाँ से यहाँ डिस्टेंस 28.5 है, तो उसके आंखों का डिस्टेंस भी सेम ही होगा 28.5, तो ये भी क्या होगा 28.5, तो यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन मैंने 45 डिग्री आ गया, ठीक है। अब जब ये साइड 1.5 मीटर है तो नॉर्मल सी बात है, ये मैंने एक पैरेलल लाइन है, तो ये भी 1.5 मीटर ही होगी, ठीक है। यानी कि अब मुझे फाइंड आउट क्या करनी है, हाइट ऑफ चिमनी, और चिमनी की हाइट क्या है, टोटली ये है। तो कैसे फाइंड आउट करूँगा, अगर मैं इसको प्लस इसको जोड़ दूँ तो हाइट ऑफ चिमनी आ जाएगी, हाँ जी। तो ये तो मेरे पास आ गई DC 1.5 मीटर, अब मुझे फाइंड आउट क्या करनी है, DE फाइंड आउट करनी थी, उसके लिए मैं क्या करूँगा, ये मैंने देखा है राइट एंगल ट्रायंगल बन गई, जिसमें बेस की वैल्यू मुझे दे रखी है और इसकी वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है और एंगल दे रखे हैं, और यहाँ से मैं पाइथागोरस प्रमेय की हेल्प से राइट एंगल ट्रायंगल है, तो परपेंडिकुलर बाय बेस क्या होता है, यहाँ पे मैं लिख रखा था परपेंडिकुलर बाय बेस होता है टेन थीटा के बराबर, और यहाँ से वैल्यू पुट की तो पी की वैल्यू क्या आ गई 28.5 और प्लस में 1.5 जोड़ा 30 मीटर, तो हाइट ऑफ टावर क्या आ गई, यानी कि हाइट ऑफ चिमनी, टोटल हाइट क्या आ गई 30 मीटर। तो इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। आई होप आपको समझा होगा, थैंक यू वेरी मच।